हमारे YouTube चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक क्रम से वीडियो प्रोवाइड की जा रही है जो टेंस का है, ट्रांसलेशन बनाने की विधियां कैसे बनाया जाता है ट्रांसलेशन, और बहुत सिंपल वे में एक सिंपल की मीन्स है कि छोटे से वाक्यों को लेकर के बड़े से वाक्यों तक बनाना, यानी कि सरल से कठिन की तरफ जो हमारे शिक्षा नीति यानी कैरिकुलम है, यानी कि साधारण से लेकर के उच्च तक उसी स्तर से जो है आपको यहाँ पर हम ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पुराने जो जुड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि पेपर कॉपी का आप लोग इस्तेमाल करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बीच में से कहीं कटने वाला नहीं है, आपको क्रम से मिलेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, हर जितने भी टेंस है 12 टेंसों के चार चार रूल आपको दूंगा, और रूल के अनुसार वाक्य बनाएंगे, बिल्कुल बिंदास, कोई भी हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल एकदम बनता हुआ चला जाएगा। बस आपको याद होना चाहिए उस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार कैसे लगती है, वर्ब कैसा लगता है, और वाक्य की पहचान। तो जैसा कि हमने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है ऐसे वाक्यों के अंत में आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये सब आएंगे तो परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। पॉजिटिव हमने पढ़ा दिया है, आज हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और नेगेटिव बहुत आसान है क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि सहायक क्रिया मुख्य के बीच में क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं, और हमारा वाक्य क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा सिंगुलर नंबर तो हैज का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट जो है अदर नंबर रहेगा मीन्स आई वी यू दे या प्लूरल नंबर, तो इसके साथ जो है हम हैव का प्रयोग करते हैं, और जो सिंगुलर नंबर एक वचन रहता है उसके साथ हम हैज लगाते हैं। देन आप लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी गो एंड गान, जाना का रहेगा तो हम गो नहीं लिखेंगे, गो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो हम गान का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे, शेष वाक्य अदर वाक्य जो भी बचता है उसको लिख देंगे। तो चलिए बनाते हैं ट्रांसलेशन, ये आपका पार्ट टू है और नेगेटिव सेंटेंस है। हमारे YouTube चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 के माध्यम से आपको ये चीजें सब चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए, जैसे मैं पहले हम पहला सेंटेंस, मोहन स्कूल नहीं गया है, बिल्कुल सिंपल, गया है परफेक्ट टेंस, नहीं आ गया नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव का रूल लगाओ ही है। इसमें कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिखो, तो इसमें से निकाल लो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा मोहन, तो लिख देंगे आप मोहन, और हैज हमें सिंग लगाना है, हमने बताया जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज लगाएंगे, तो हमारा मोहन सिंगुलर नंबर है तो लगा लीजिए आप हैज। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, नहीं के लिए नॉट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है कि वाक्य के अंत में आती है और वाक्य के सहायक क्रिया से जुड़ जाती है, और सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया वो होती है जो किसी वाक्य की रचना करने में सहायक होता है उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, और सहायक क्रिया के साथ ही जो होता है आपकी मुख्य क्रिया जुड़ी होती है। जिसमें से दिया है गया, गया का मतलब गो एंड गान, जाना, गो माने जाना, अब गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों, इसका हो जाएगा गॉन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, तो कहे जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, लिख देंगे क्या आप स्कूल, तो क्या बन गया ये, मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, मैं या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूं, या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है, सिंपल लिख लीजिए पढ़ाया है, आ है, ई है, ए भी आ गया, परफेक्ट टेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है मैंने, मैंने का हो जाएगा आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई के साथ प्रयोग होता है।
आई है, इसके बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा दीजिए। वर्ब भी थर्ड फॉर्म लिखे देखिए, पढ़ाना, टीच टॉट टॉट, यानी टीच मीन्स पढ़ाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। आई है टॉट, TAUGST, मीनिंग्स आप वर्ड और तैयार रखिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इसका हो जाएगा इंग्लिश, ये बन गया आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, वह अपना काम समाप्त नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, आया है, गया है, लिया है, दिया है, परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें नहीं दिया है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का रूप लगा दो, करा करता लिखो, करता क्या है, वह, ही मन हो गया वह। अब हैज है में से क्या लगाएंगे, तो वह एक वचन होता है, सब एक वचन, तो एक वचन किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, जब दोनों में से एक ही लगाना है, मत के दोनों मत लगाए, दोनों में से एक लग, इसके बाद हो गया नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म देगा समाप्त करना, फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट में दिया है क्या, अपना काम, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पजेसिव का प्रयोग हुआ, यानी कि पजेसिव आपका है ये, और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है कर्ता के अनुसार, जब ही है तो अपना के लिए लगा देते हैं क्या, हिज, और जब यहाँ पर आई रहेगा तो माई, यू रहता तो योर, वी रहता तो आवर, दे रहता तो दियर, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर नंबर एक वचन है, वह है, राम भी रहता तभी भी हिज लगता, मोहन भी रहता तभी भी हिज लगता, मेरा भाई रहता तभी भी हिज लगता, यानी कि सिंगुलर नंबर कोई भी आए और मेल हो तो हिज, सिंगुलर नंबर कोई भी आए फीमेल हो तो हर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ही है तो हिज हो गया, और काम का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, बन गया आपका ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। कितना आसान है ट्रांसलेशन बनाना, बस आपको रूल याद होना चाहिए, और उस टेंस की सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्ता के अनुसार कैसे लगाई जाती है, ये आपको प्रयोग में आना चाहिए, बाकी ट्रांसलेशन जो है आपको आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन अगर सीखना हो, जो लोग कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11 मीन्स कोई भी, या कोई एडल्ट हो गए हो, जहाँ कोचिंग जाने में मान लीजिए कि अब बच्चों के बीच में बैठने में एजिटेशन होता हो, तो उनको बहुत अच्छा माध्यम है आपका यूट्यूब चैनल, आराम से चाहे तो बैठ करके पढ़ सकते हैं, नॉलेज होगा तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, अपने रिलेशन में भी पढ़ा, किसी को भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं नॉलेज होगा तो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इतना बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हर एक चीज बता करके आपको ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आ जाएगा, बस आपको इसका जो है आपको अनुसरण करना होगा। और हमारे चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको डालूं तो आप तक ले वो पहुंच जाए, ठीक है। और ये नहीं, एक क्रम से होगा, ये ध्यान दीजिएगा, चैप्टर वाइज बिल्कुल क्रम से आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो अब कुछ और हम देखते हैं, ये तो हो गया, अब कुछ और सेंटेंसेस जैसे देखें, जैसे मैं कह दे सूर्य आसमान में नहीं निकल चुका है, नहीं निकल चुका है, नहीं निकला है, ये सब परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट माने होता है पूर्ण, यानी वह काम जो वर्तमान में क्या हो गया हो, पूर्ण हो गया हो, वही तुम्हारा परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चुका है, अब नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिया है, सन, तो ध्यान दीजिएगा इसके साथ द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द, द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, ये सबके साथ द का प्रयोग आर्टिकल होता है, मस्ट है। इसको भी हम एक बार बता देंगे आप लोगों को, ए एन द का प्रयोग कैसे होगा, आप लोग जुड़े रहें।
इसके बाद हम लिख देंगे आप सन, सन एक वचन है तो क्या लगा देंगे, नाट है, नाट हो गया। अब वर्ग की थर्ड फॉर्म अगर निकलना, निकलना को होता है राइज, रोज, रिज्यूम, इसका हो जाएगा रिज्यूम। अब दिया है क्या आसमान में, इसका हो जाएगा इन द स्काई। ये हो गया आपका द सन हैज नॉट रिजेन इन द स्काई। और ट्रांसलेशन दे सकते हैं जैसे दो ऑब्जेक्ट आ जाए, दूसरा जैसे मैं राम मुझे किताब नहीं लाया है, राम मुझे किताब नहीं लाया है, पिताजी जिले से किताब नहीं लाए हैं, कपड़ा नहीं लाया है, कोई भी सेंटेंस आप बनाए ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है राम, तो हो जाएगा राम। एक वचन है तो क्या लगा देंगे आप हैज, इसके बाद क्या लगा देंगे नॉट। वर्ग की थर्ड फॉर्म लिखना, देखिए लाना, लाना का होता है ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, इसका हो जाएगा बी आर ओ यू जी एस टी। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गया, मुझे किताब, तो जब ऐसा आए मुझे उसे तुम्हें हमें, तो क्रिया के तुरंत बाद जो है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, केस वाली वीडियो में हमने पढ़ा दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो मुझे का हो जाएगा मी, और किताब का हो जाएगा ए बुक। ये हो गया आपका राम हैज नॉट ब्रॉट मी अ बुक, राम मुझे किताब नहीं लाया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना आसान है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। और आपको क्या करना है, कोई पुस्तक ले लीजिए, कोई किताब जो ग्रामर की हो, और ऐसी किताब जिसमें ट्रांसलेशन हो, आप अधिक से अधिक ट्रांसलेशन करिए और अपने जो है वर्ड पावर को बढ़ाइए। वर्ड पावर को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक आएगा, नए नए शब्द आएंगे, नए नए ट्रांसलेशन आएंगे, आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज हम कैसे बनाएं, कैसे करें, तो ये चीज जो है आ जाएंगी। और एग्जांपल देख सकते हैं, ये शीला अपने मम्मी के साथ बाजार नहीं गई है। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशनल चीज हमने इसमें डाल दिया है मम्मी के साथ, अब यहाँ पर भी एक गई है परफेक्ट है, क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग, सीधा हो गया बिल्कुल सही। फिर क्या लिखेंगे हैज में से क्या लगाएंगे बताइए, एक वचन है तो क्या लगेगा, बिल्कुल सही हैज लगेगा। इसके बाद क्या लगाएंगे नॉट लगा देंगे, देन आफ्टर आगे क्या होगा वर्ग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या है जाना, जाना क्या हो जाएगा गो वेंट गॉन, गॉन हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है बाजार, टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए अदर वाक्य क्या दिया है अपने मम्मी के साथ, तो उसके साथ के लिए संगति की अवस्था में प्रीपोजिशन जो है विथ का प्रयोग करते हैं। अब हमने एक ट्रांसलेशन में भी बताया था कि ये जो है पजेसिव केस अपना अपने, इसका प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जब सिंगुलर नंबर है वो भी मेल फीमेल है, तो फीमेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं हर का, अगर एक मेल रहता तो हिज लगाते, आई रहता तो माई लगाते, लेकिन यहाँ पर शीला है तो सिंगुलर नंबर फीमेल है, इसका हो जाएगा विथ हर, और मदर का हो जाएगा क्या मदर, शीला हैज नॉट गॉन टू मार्केट विथ हर मदर। तो ऐसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, सीखते रहिए, बनाते रहिए, और हमारे YouTube चैनल का आप लोग विजिट करते रहिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और सारे जितने भी ग्रामर या जितने भी ट्रांसलेशन है ग्रामर के माध्यम से, ये सारी चीजें आपको हम एक ही क्रम से वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए आप लोगों यहाँ तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद हम मिलेंगे तो इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। तब तक लिए आप लोग
बने रहे, देखते रहे और एंजॉय करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।